अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ैर नक़सदवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आप सबको रमज़ानुल मुबारक मुबारक हो। और आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम मटन पुलाव बना रहे हैं और सैबरोज़ो की यहाँ सीख कबाब हैं वो हम तलेंगे। इसके अलावा हम आज दही की कड़ी का चाट बनाएँगे, ठीक है। पहले हम दही की कड़ी बनाएँगे और फिर उसके साथ हम किस तरह इसको असेंबल करेंगे, चाट बनाएँगे, आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। अब सबसे पहले ऑब्वियसली देयर लेस टाइम ऑन आर शो, तो मैंने मटन बॉयल कर दिया था, लेकिन आपके सामने मैं क्या करूँगी, यहाँ मेरे पास मटन का स्टॉक है, ये स्टॉक ले लिया हमने, यानी सूप है जिसमें हमने इसको बॉयल किया था। एक अदद मैं सूप का क्यूब भी डाल दूँगी इसमें, ठीक है। और इसमें हम जो चीज़ें डालेंगे वो है, ये मेरे पास अदरक यहाँ है, साबुत अदरक है, ठीक है, और लहसुन के चंद जवे हैं, दो तीन लहसुन के जवे डालिएगा। फिर मेरे पास यहाँ मिक्स्ड स्पाइसेस हैं जिसमें साबुत धनिया है, साबुत ज़ीरा है, सौंफ है और काला ज़ीरा है। ये चार चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। आई डोंट हैव अ पीस ऑफ मसलिन, आज मलमल का कपड़ा होता तो मैं उसमें रख के बांध के करती। इसमें हम स्टॉक को उबालेंगे, अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाएगी मसालों की, फिर हम इसको छान लेंगे। चावल मैंने यहाँ भिगो के रख दिए हैं, दही है, नमक है, ब्राउन की हुई थोड़ी सी प्याज है, और इसमें मैं इलायची, छोटी हरी इलायची भी डाल देती हूँ, छोटी हरी इलायची भी, ठीक है, ये भी चला गया। अब नाउ लेट्स स्टार्ट ब्राउनिंग द अनियन। सो उसके लिए यहाँ रख देते हैं चाताज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। खाने पकाने के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाताज ज़रा सा और, और दो बड़ी प्याज हैं स्लाइस में कटी हुई, उसको डाल देंगे। अच्छा, पुलाव जब बनाते हैं तो हमेशा लोग मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सारा पानी डाल देते हैं। पहले से बहुत सारा पानी नहीं डालिएगा, इसका जो स्टॉक है वो हम यूज़ करेंगे, और अगर चाहिए होगा तो फिर पानी डालेंगे चावलों को डालने के बाद, अभी से नहीं, ठीक है। सो वी गॉट प्याज हियर, आई होप आप हमारे शोज़ देखेंगे, मेरा शो फूड डायरीज़ का वही टाइमिंग्स हमारे हैं 3:30 से 4:30, और रिपीट टाइमिंग्स का आई एम नॉट वेरी श्योर, सो आई लेट यू नो पूछ के। शाताश कुकिंग ऑयल में आपने प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करना है। जब आप लोग गोश्त बॉईल करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें डाल के, अदरक लहसुन छोटी हरी इलायची और ये चारों मसाले डाल के उबालिएगा, ताकि फिर गोश्त में भी उसका फ्लेवर आए। और इसको मैं छान लूँगी, ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस सूप। अच्छा, आज जब मेरा शो एंड होगा 4:30 बजे फूड डायरीज, तो 4:30 बजे एक और शो आप देख सकेंगे जो हायर का है, तो ज़रूर देखिएगा और उससे भी बहुत सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। मुझे ये प्याज ब्राउन करना है, ठीक है, आई हैव टू डू दैट। और फिर हम क्या करेंगे, पहले प्याज ब्राउन करके आप आधे निकाल दीजिएगा, आई हैव ऑलरेडी गॉट योर फ्राइड ब्राउन प्याज, वो हम इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे और हम चावलों को पका लेंगे, गोश्त को भी इसी में अच्छी तरह भून लेंगे, फिर ये सूख जाएगा। ब्राउन होने दीजिएगा प्याज को, वरना फिर जो पुलाव है उसका अच्छा सा ब्राउन कलर नहीं आता है। दो टेबलस्पून जितना दही लीजिएगा, ज़रा बीट कर लीजिएगा, वो हम डालेंगे जब हम प्याज में ये गोश्त वगैरह डालेंगे। मैंने इलायची उसी सूप में डाल दी थी, आप इलायची को यहाँ भी डाल सकते हैं, एक ही बात है, इट एनी वेज हैज़ टू बी मिक्स्ड। हम गोश्त डाल देंगे और दही शामिल करेंगे।
और अच्छी तरह दही के साथ गोश्त को आप पकने दीजिए। इसमें आप फिर नमक भी शामिल करिएगा। याद रखिएगा मैंने स्टॉक क्यूब का इस्तेमाल किया है, तो स्टॉक क्यूब में फिर नमक ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा। एंड हरी मिर्चें चली गई और चावलों का पानी निकाल के जब अच्छी तरह हमने गोश्त को भून लिया होगा तब फिर हम डालेंगे इसमें चावल और ये सूप जो है। लेकिन सूप जब मैं डालूंगी तो सूप को मैं छान के डालूंगी ताकि जो मसाले हैं इसके स्पाइसेस हैं होल स्पाइसेस वो इसमें मुंह में ना आए। गोश्त को आप अलग से प्रेशर कुक करके उसका सूप अलग से निकाल दीजिएगा। तो सूप काफ़ी अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। आप देखें इतना सारा साबुत मसाला प्याज और अदरक अदरक और लहसुन वगैरह तो नहीं अंदर जाएगा ना, सो उसको मैं छान लूँगी। गोश्त को अच्छी तरह प्याज के साथ हरी मिर्चों के साथ नमक के साथ सौटे करिए। अब आई थिंक इसी छन्नी से कर लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू डू दिस हियर। पहले मैं इसमें कर लूँ ताकि आसानी से पोर हो जाए फिर मुझसे। ये बहुत गर्म होगा। अगर आपके पास भी पोटली नहीं हो मलमल की तो इस तरह कर दीजिएगा। देखिए ये सारा मसाला इसमें निकल आया लेकिन इसका जो स्टॉक है उसमें ये सारा फ्लेवर आ चुका होगा। तो अब मैं इसमें ये स्टॉक डाल दूँगी। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह हम पकने देंगे और चावल भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इतना आसान झटपट मटन पुलाव आप कभी पहले नहीं बनाया होगा आपने। टाइम कम हो तो इसी तरह बनाइएगा। गोश्त बॉईल करके रखा होगा तो बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। चावलों को स्प्रेड कर दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी अभी डाल दीजिए और फिर चेक करिएगा। नीचे हम तवा रखेंगे। ये देखें नीचे मैंने तवा रख दिया। अब इसका ढक्कन एंड लेट दिस कम टू अ बॉयल। फिर थोड़ी देर बाद मैं पानी डालूंगी। पुलाव में कभी भी पानी पहले से नहीं डाल देते हैं। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द रेसिपी करेक्ट। मैंने क्या किया था, मटन को आप पानी में डाल के अदरक लहसुन साबुत नमक और ड्राई स्पाइसेस जो थे वो एक मलमल के कपड़े में डाल के आप उसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। प्रेशर कुक कर दें या उसको बॉयल कर दें और उसके बाद फिर आप उसका जो गोश्त है वो अलग कर दीजिएगा, सूप को अलग कर दीजिएगा। अच्छा जी, फिर जो मलमल के कपड़े में जो स्पाइसेस हैं वो अलग कर निकाल दीजिएगा। जो मैंने यहाँ आपको दिखाए हैं उसमें अदरक लहसुन था साबुत, एनी सीड्स यानी सौंफ था और ब्लैक क्यूमिन सीड्स था, काला ज़ीरा था, सफ़ेद ज़ीरा था, धनिया साबुत था, कोरिएंडर सीड्स और नमक बस। ठीक है जी, फिर हमने प्याज लाल किया शाताज कुकिंग ऑयल में, उसमें ये गोश्त को डाल के अच्छी तरह भूना, उसमें हमने दही डाला, हरी मिर्चें थी, छोटी हरी इलायची थी और ये मटन का जो स्टॉक था सूप था वो डाल दिया। उसके बाद इसको मैंने छान लिया था। ठीक है, ये देखें ये सब कुछ अंदर नहीं जाना चाहिए, नॉट इन योर पुलाव। और यहाँ अब मैंने चावल डाल दिए हैं। ठीक है, पानी इसमें कम है तो अभी हम पानी नहीं ज़्यादा डालेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, इफ़ वी नीड वाटर वी विल ऐड थोड़ा थोड़ा करके। एक मैं यहाँ एक पैन में पानी गर्म कर लेती हूँ और वो हम ऐड करेंगे ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके। एकदम से नहीं ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा। एवरीथिंग इज़ गॉन इन एक्सेप्ट ब्राउन प्याज जो ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे एंड मटन पुलाव विल बी रेडी इन नो टाइम। मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक। दही कड़ी चाट हम बनाएंगे आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ब्रेक। तो देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। देखें यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई पानी डाला ही नहीं है बिकॉज पुलाव में हमेशा यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि ज़्यादा पानी डलने से फिर क्या होता है, चावल बहुत नरम हो जाते हैं। यू कैन सी खिले खिले चावल हैं। ठीक है, और तवा नीचे ज़रूर रखिएगा, आँच बिल्कुल कम या हल्की कर दीजिएगा। अच्छा, मीनवाइल मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने एक कप बेसन लिया था। अब हम नेक्स्ट रेसिपी बना रहे हैं।
इसको आपने अच्छी तरह भूनना है पहले, जब तक इसकी खुशबू नहीं आए, ठीक है। तेज़ आँच नहीं रखिएगा, जल जाएगा बेसन। तो इसको अच्छी तरह पहले भून लीजिए, जब भुन जाए तो उसके बाद उसमें आपने दही और पानी डालना है। सो 2 कप दही 2 कप पानी, ठीक है जी। और फिर क्या करेंगे, फिर इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक जाएगा, धनिया साबुत जाएगा, ज़ीरा साबुत, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी और पानी, एंड देन वील कीप कुकिंग इट। तो मैं इसको निकाल दूंगी, एक बड़े पैन में डिश में रख दूंगी इसमें, क्योंकि मुझे पानी दही वगैरह डालना है। सो ऑब्वियसली इसमें से नहीं, इसको मुझे सिर्फ भूनना था पहले, ठीक है। भुने हुए बेसन को ही इस्तेमाल करिएगा, ऐसे कच्चा कच्चा बेसन नहीं इस्तेमाल करिएगा। पूरी दही की कढ़ी बनेगी और उसमें उसका चाट बनेगा। चाट में क्या चीज़ें हैं, यहाँ मेरे पास चने हैं बॉईल किए हुए यानी वाइट चिकपीज, 2 बड़े आलू लिए थे छिलका उतार के मैंने उसको क्यूब्स में काट के पानी में बॉईल कर दिया था, सेव है जो ऊपर से जाएगी फॉर द नाइस क्रंच, ये गुड़ इमली की चटनी है, हरी चटनी है, रेसिपी कार्ड में है ये गुड़ इमली की चटनी, ठीक है। बहुत दफ़ा बनाना सिखा भी चुकी हूँ, सो ज़रूर रेसिपीज ट्राई करिएगा, बनाइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। ओके, नाउ इसमें मैं ये दही शामिल कर देती हूँ जो कि है नाप के 2 कप, एंड वाटर जो 2 कप मुझे डालना है इसमें। और फिर इसमें ये बेसन जाएगा, और बेसन डालने के बाद यू हैव टू यूज अ विस्क, ठीक है, ताकि लम्स ना बने। ये विस्क, अब इसमें सारे मसाले भी मैं डालूंगी। अगर विस्क चलाने के बाद भी इसमें लम्स रहें तो प्लीज़ उसको छान लीजिएगा, बिकॉज वी वॉन्ट के दही की कढ़ी जो बने वो बिल्कुल स्मूथ हो। पानी है 2 कप 2 कप दही है 1 कप बेसन है, लेट दिस कुक, एक बॉयल आना चाहिए। ओके, अब इसमें जो चीज़ें हम डालेंगे उसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट, और साबुत, देखें ये साबुत धनिया है, कॉलर है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। रमजान मुबारक आपको, आपकी पूरी टीम को। जी आप सबको भी, अल्लाह ताला रमजान की ढेर सारी खुशियां अता करे, आमीन। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत लाइक करती हूं मैं आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी फरमाई थी कि करेले गोश्त बनाना सिखा दे। करेले गोश्त, ओके ठीक है जी। और कुछ? और फ्रूट चाट बनानी सिखा दे या रेडिश आइलैंड? करेंगे ना, अभी तो सारी, अभी तो आज तो पहला शो है रमजान वाला, बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, हमारे साथ रहिएगा, ठीक है, शोज देखिएगा, लाइव शो मेरा फूड डायरीज भी देखिएगा, उसके बाद वाला शो भी देखिएगा जो हायर का है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, साबुत जीरा है इसमें, आपने साबुत जीरा डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया, और क्या मुझे डालना था इसमें, लाल मिर्चों का पाउडर है, इसको बबल होने दीजिएगा लेकिन नीचे लग ना जाए। ओके, थोड़ा सा पानी मुझे लगता है मुझे और भी डालना पड़ेगा, आप लोग 2.5-3 कप पानी लिखिएगा 2 कप दही के लिए, बिकॉज ये बहुत पतली नहीं होगी, चाट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको। आँच मैंने बिल्कुल कम रखी हुई है, और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर और नमक, विस्क करते रहिए इसको, बेसन का जो कच्चापन है ना वो मुंह में नहीं आना चाहिए। देखें विस्क यूज करने की वजह से लम्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं, कोई लम्स है ही नहीं। सो दिस इज योर खाना और चाट दोनों साथ साथ, दही कढ़ी चाट।
ओके जी, ये हो गया। अब साबुत धनिया डाला, साबुत जीरा डाला, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मैंने। अब इसको आप पकने दीजिए, इसके बाद फिर अब हम इसका तड़का करेंगे। ये देखें, स्मूथ सी हो गई। देखा आपने, आंच बहुत कम रखिएगा प्लीज। अच्छा जी, अब विल डू अ तड़का। सो इसमें हम शाताज कुकिंग ऑयल, और ये एक्स्ट्रा जरा चीजें मैं यहां से हटा लूं ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। ओके, तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डाल देंगे और स्लाइस में कटे हुए लहसुन है। दिस इज द तड़का फॉर योर चाट, फॉर योर दही की कड़ी। ठीक है, ये है प्याज और लहसुन इस तरह स्लाइसेस में कटे हुए, गोल वाली ये लाल मिर्चें हैं, बटन रेड चिलीज। फिर इसी में मैं चीज़ें डाल देती हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा है और कड़ी पत्ते हैं, जब तक प्याज यहाँ लहसुन के साथ मैं फ्राई कर रही हूँ शाताज कुकिंग ऑयल में। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। सबरोज़ो इज़ ऑन माई शो। आज मैं इनके सीख कबाब जो इकोनॉमी पैक में दस्तयाब हैं वो फ्राई करके आपको सर्व करूंगी। इट्स अ मस्ट हैव ऑन एवरी इफ्तार टेबल। आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं आप नगेट्स के साथ साथ फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है फ्रोजन चिकन कचौरीज। यू कैन सी द फ्रोजन चिकन कचौरीज, चिकन पकौड़ाज, चिकन नगेट्स। ठीक है, सो लेट्स फ्राई दिस। अच्छी पैकिंग में है, दस्तयाब। शाताज कुकिंग ऑयल, अच्छा। मीनवाइल मैं आपको बताती चलूं कि मैंने यहाँ प्याज और लहसुन को अच्छा सा फ्राई कर दिया था। इसके साथ साथ जो हम दूसरी चीज़ें तड़के में डालेंगे, ये क्यों नहीं चूल्हा जल रहा है जी, यहाँ मेरे पास गोल वाली बटन रेड चिलीज़ है और कड़ी पत्ता है और साबुत ज़ीरा है, ये सारी चीज़ें जाएंगी इसमें। अच्छी तरह हमने इसको पकाना है, फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। अच्छा, थोड़ा सा इसमें जाएगा काला नमक, ठीक है, ब्लैक सॉल्ट जिसको कहते हैं। कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी जाएगी। मुझे दही की कड़ी में डालना था, मैं इसमें डाल रही हूँ, और कुटी हुई काली मिर्चें, दैट्स इट। थोड़ा सा मुझे ये ड्राई लग रहा है बिकॉज प्याज ने अब्सॉर्ब कर लिया है शाताज कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा और डालेंगे। ठीक है, अब ये अच्छी तरह आप इसको तेल में
फ्राई करिए इस तरह। हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, गोल वाली लाल मिर्चें, प्याज, लहसुन, असेंबलिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हमें इसको असेंबल करना है। पूरा तड़का ऊपर जाएगा। ओके, मीनवाइल यहाँ सैबरोज़ो के जो ये सीख कबाब हैं वो हम डाल देते हैं। तेल बहुत गर्म हो चुका है। ठीक है, इसका चूल्हा भी हम बंद कर देते हैं। ऑल दिस तड़का विल गो ऑन टॉप। अच्छी तरह ये ब्राउन हो चुका है। ओके, नाउ कमिंग टू आवर बोल हियर जिसमें हमें असेंबल करना है। मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। सो चने पहले जाएंगे, फिर ये आलू जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरी दही की कड़ी है ये जाएगी। अच्छी तरह इसको स्प्रेड करिए। फिर इसके ऊपर हमें चाट मसाला डालना है। तो थोड़ा सा चाट मसाला जाएगा, ठीक है। और ये चटनी है गुड़ इमली की, इसकी रेसिपी भी मैंने इंक्लूड की हुई है। फिर ये हरी चटनी है। जब मिक्स करके खाएंगे तो यू विल नो के क्या मज़े की चीज़ बनी है। थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा। बिकॉज दही की कड़ी इज सपोज टू बी नाइस एंड खट्टा। और फिर इसके ऊपर आपने ये तड़का डालना है थोड़ा सा। पूरा नहीं भर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि आप लोगों को नज़र भी आए। और फिर उसके ऊपर सेव। ठीक है, इसको भी ज़रा ऐसे ही रखते हैं कि नज़र आए। ये है आपकी दही की कड़ी की चाट। ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। एंड लिटिल बिट ऑफ हरा धनिया ऑन टॉप, ठीक है। चलिए, चने, आलू बॉइल्ड, उसके ऊपर वो दही की कड़ी गई, तड़का गया, सेव, दोनों चटनियाँ हैं और चाट मसाला है, लेमन जूस है, सैबरोज़ो के कबाब भी इतने जल्दी झटपट फ्राई हो जाएंगे। और पुलाव जो है दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली रेडी। ये देखें, ब्रेक की तरफ चलते हैं, हम क्लीन अप करते हैं, पुलाव को डिश में निकालते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज। देखें, दही कड़ी चाट इज़ रेडी, ट्राई ज़रूर करिएगा। मटन पुलाव इज़ ऑल्सो रेडी और सैबरोज़ो के जो मैंने सीख कबाब फ्राई किए हैं दे आर ऑल्सो ऑलमोस्ट डन। यस,
अब बस मुझे इनको निकाल देना है। झटपट आसान, इफ्तारी के लिए आपको काम आएंगी सारी चीज़ें। चिकन कचौरीज लुक रियली नाइस, मैं भी ट्राई करूँगी फिर। और अब मैं आराम से रिकैप करूँगी, बिकॉज़ आई थॉट कि इतने सारा काम है आज तो नहीं होगा, लेकिन मैंने कर लिया है। तो फूड डायरीज़ में अब थोड़ा सा टाइम है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिकैप कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ओके, मटन पुलाव है, उसको कर दें पहले रिकैप। अच्छा जी, आप मटन जितना लें उतना ही चावल लीजिएगा, पहली बात तो ठीक है। सो इफ़ इट्स हाफ किलोग्राम राइस तो हाफ किलोग्राम मटन होना चाहिए। दूसरी बात, चावल को भिगो के रख दीजिएगा। मैं सेले चावल नहीं इस्तेमाल करती हूँ, मैं बासमती ही इस्तेमाल करती हूँ। सो मैंने उसको आधा घंटा भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद मटन को अच्छी तरह धोइएगा। पुलाव के लिए सिर्फ बोनलेस पीसेज नहीं लीजिएगा, बोन्स वाले पीसेज होंगे तो उसका जो अपना स्टॉक सूप जो बनेगा उससे बहुत अच्छा लजीज टेस्ट आता है। सो जब आप पानी और मटन बॉईल करने रखें पुलाव के लिए, तो उसमें आप अदरक और लहसुन साबुत डालिएगा, साबुत धनिया डालिएगा, सफ़ेद ज़ीरा डालिएगा, काला ज़ीरा डालिएगा, और आप उसमें साबुत धनिया डाल के नमक डाल के पकाने के लिए छोड़ दीजिएगा। मैंने प्रेशर कुक कर दिया था। जो सूप बनेगा उसको छान लीजिएगा, उसको अलग कर दीजिएगा, ठीक है। और उस सूप में आप जब ये सारे स्पाइसेस डालें तो एक मलमल का कपड़ा लीजिएगा, उसमें वो स्पाइसेस रख के बंद करके पोटली सी बना के फिर करिएगा। और फिर जब हो जाए मटन तो वो पोटली में से भी पूरा उसको दबा के अच्छी तरह उसका वो पूरा वो निकालिएगा, ठीक है। फिर शाताज कुकिंग ऑयल मैंने फ्राई गरम करने रख दिया था, उसमें मैंने प्याज फ्राई कर दिए, दो अदद बड़े स्लाइस में कटे हुए। फिर उसमें मैंने दही डाला, ये गोश्त डाला, और गोश्त के साथ फिर उसका सूप डाला, और सूप को मैंने छान लिया था क्योंकि मैं आज मलमल का कपड़ा लाना भूल गई थी यहाँ, तो मुझे आपको दिखाना था ऑब्वियसली इसमें क्या होगा। तो मैंने छन्नी के थ्रू उसको छान लिया था, ठीक है जी। मटन डाला आपने, दही डाला, हरी मिर्चें थीं, छोटी इलायची थी हरी वाली, और उसको सब चीज़ों को अच्छी तरह आप भून लीजिएगा। उसके बाद मटन को डाल के भून लिया, और फिर चावलों को डाल दीजिएगा, वो सूप डाल दीजिएगा, हल्की आंच पे पकाइएगा। सूप या पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा, ये याद रखिएगा। पुलाव में लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि इतना सारा पानी पहले से डाल देते हैं, फिर चावल, मेरे वाले चावल तो बहुत अच्छे हैं तो भाप में भी पक जाते हैं, सीरियसली। सो डोंट ऐड एक्स्ट्रा वाटर, वरना वो बहुत चावल चिपक चिपक हो जाते हैं। और थोड़ा सा चंद कतरे लोग चावलों को, ग्रेन्स को सेपरेट रखने के लिए लेमन जूस के डालते हैं ताकि वो सेपरेट रहें चावल। सो मटन पुलाव इज़ रेडी। फिर ब्राउन की भी प्याज डालें, हरा धनिया डालें, एंड दैट इज़ रेडी टू सर्व। नाउ मैंने क्या किया था, दही की कड़ी के जो चाट बनाई थी, चाट को असेंबल करने के वक्त बॉयल्ड आलू रखे थे डिश में, बॉयल्ड चने रखे थे, उसके ऊपर ये दही की कड़ी डाली थी, उसके ऊपर वो तड़का गया था जो मैंने आपके सामने बनाया था, उसको मैं पूरा रिकैप करूँगी। हरा धनिया था, चाट मसाला था, हरी चटनी थी, गुड़ इमली वाली चटनी थी, गुड़ इमली खजूर वाली चटनी आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। पूरी रेसिपी इसमें है इन माय रेसिपी कार्ड, आप पेज से ले सकते हैं, हमारा पेज है फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से, उस पर शाम में या कल सुबह तक तो अपलोड हो जाती हैं सारी तस्वीर रेसिपीज़ समेत। और तस्वीर के ऊपर उर्दू में है रेसिपी, तस्वीर के साथ आप देखेंगे तो अंग्रेज़ी में रेसिपी भी है। सो मैंने क्या किया था, मैंने आपको यहाँ पूरी रेसिपी बताई हुई है, अगर आपको चटनी बनानी है, आई एम श्योर आप सबने अब तो सीख लिया है हम सबसे ये सारी चटनियाँ बनाना, और रमज़ान शुरू होने से पहले ही आप लोगों ने ये सारी तैयारी कर ली होगी। ओके, दही की कड़ी कैसे बनाते हैं, अब दही की कड़ी जैसे ही आप लोग घर में बनाते हैं, कीप इट अ बिट थिक, इसलिए आपने देखा 2 कप पानी 2 कप दही में आज मैंने 1 कप बेसन डाला था, वरना नॉर्मली जब मैं दही की कड़ी बनाती हूँ तो मैं बेसन की मकदार बहुत कम रखती हूँ, बिकॉज हम वो गुजराती स्टाइल बनाते हैं जिसमें वो पतली वाली दही की कड़ी होती है, नॉट पंजाबी स्टाइल जिसमें बेसन ज़्यादा होता है। ओके ओके, सो सबसे पहले आपने ग्राम फ्लावर यानी बेसन को अच्छी तरह हल्की आँच पर एक पैन में रोस्ट करना है, हल्की आँच पर करिएगा खुशबू उसकी आए। फिर आपने उसको हटा देना है, उसमें आपने पानी डाला, दही डाला, और विस्क के साथ उसको चलाइएगा एक दूसरे पतीले में, विच इज़ डीप इनाफ, ठीक है। विस्क इस्तेमाल करना ज़रूरी है वरना लम्प्स रह जाएंगे, और अगर आपसे लम्प्स रह भी जाएं तो आप छन्नी के थ्रू उन लम्प्स को छान लीजिएगा। चलिए, फिर उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट था, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, धनिया साबुत डाला, धनिया साबुत ज़ीरा साबुत मुँह में ना आए तो आप उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, उसका पाउडर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा पानी डाल के उसको आपने एक उबाल आने दिया, और हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा, दही की कड़ी नीचे लग ना जाए, और विस्क कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा, ठीक है। ये हो गया, फिर जब वो हो गया तो आपने उसको साइड में उतार दिया। अगर काउंटर पे रख रहे हैं प्लीज़ एक जाली रखिएगा, वरना कुछ काउंटर्स पे दाग रह जाते हैं गर्म पतीलों के, तो फिर दाग निकलते नहीं हैं।
वो हो गया। फिर आपने एक पैन में अगेन शाताश कुकिंग ऑयल गरम किया, उसमें प्याज डाल दी, कड़ी पत्ते, लहसुन स्लाइसेस में काट के, तड़के में हमेशा लहसुन स्लाइसेस में काट के डाला करें, गोल गोल बड़े बड़े स्लाइसेस, थिक स्लाइसेस बहुत अच्छे रहते हैं। फिर उसमें मैंने साबुत गोल वाली लाल मिर्चें डाली, साबुत ज़ीरा डाला, कड़ी पत्ते डाले और ये सारी चीज़ें डाल के फिर मैंने उसको एक तड़का कर दिया। ठीक है, तड़का जब हो गया तो मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया और सेव, चाट मसाला, चटनियाँ, ये सब कुछ मैंने डाल दिया है। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। अब बस हमें ये सेबरोज़ो के सीख कबाब यहाँ निकालने हैं, वहाँ रख देने हैं टेबल पे आप लोगों के लिए। इफ्तार की प्रेप हमने कर दी है आप लोगों के लिए, आप भी ज़रूर इसी तरह हमारा शो देखिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। लेती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। ओके, सो लज्जत में 5 बजे लाइव है लच्छा पर चिकन होम फ्राइज और मसाला कोन पराठा आप सीखेंगे ये। ओके, और मुझसे क्या सीखेंगे? कल है चिली प्रॉन पास्ता, सहरी कैसरोल, फूड डायरीज में 3:30 से 4:30 लाइव। सैबरोज़ो ने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया हुआ है फ्रोज़न चिकन कचौड़ी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, मस्ट हैव ऑफ फॉर योर इफ्तार टेबल। एंड ऑर्डर कर सकते हैं आप, कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं 1117-222-477 इस नंबर पे। मटन पुलाव और दही कड़ी की चाट हमने आपको आज बनाना सिखाई है। अगर आपके घर में दही की कड़ी बच जाए तो इस तरह नेक्स्ट डे इफ्तार में चाट के तौर पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो आई हैव गिवन यू अ वेरी नाइस आइडिया, ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। 3:30 से 4:30 लाइव है फूड डायरीज, रमज़ान में भी कोई टाइम चेंज नहीं हुआ है। और जैसे ही मेरा ये शो ख़त्म होगा उसके बाद 4:30 बजे आप मंडे टू फ्राइडे पीर से जुमा एक और मेरा शो देखेंगे, हायर का स्मार्ट कुकिंग शो, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। हायर के अप्लायंसेज यूज़ किए हैं मैंने, किस तरह बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं, नई नई सारी रेसिपीज़, तो ज़रूर वो भी शो देखिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। और दीजिए अब मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में मज़ा। खुदा हाफ़िज़।